नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, SMCC गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के धरातल के नीचे स्थित क्षेत्र भूगर्भ कहलाता है। जो हमारे जो धरातल है उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ही भूगर्भ कहलाता है। चेहरा मन की भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी तरह धरातल के प्रारूप भूगर्भ की आंतरिक संरचना का चित्र प्रस्तुत करता है। तो जो जैसा हमारा स्थल का धरातल का स्वरूप है उसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है या समझा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार जाए। अगर हम देखें तो भारत में जो सबसे गहरी खान है वो चैम्पियन रीफ 3 किलोमीटर गहरी है, जो कोलार कर्नाटक में स्थित है। इससे ज़्यादा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारत में पहुंच ही नहीं पाए। विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे गहरी जो खान है वो है रॉबिन्सन डीप, 4 किलोमीटर गहराई है इसकी, और ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सोने की खान है। तो अगर देखें विश्व में सबसे गहरा धरातल पर अगर हम जो खनन का कार्य किया है वो 4 किलोमीटर गहराई तक किया है। अगर हम ऑयल फील्ड की बात करें, तेल क्षेत्र की बात करें, तो विश्व में सबसे जो गहराई तक जो ड्रिलिंग की गई है वो पिकॉस तेल क्षेत्र 8 किलोमीटर की गहराई तक ही हम ड्रिल कर पाए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तो जो महाद्वीपों पर या स्थलीय भागों की बात करें तो सबसे गहरा तेल क्षेत्र पिकॉस क्षेत्र है जो USA में है। हम बात करें महासागरों में तो महासागरों में भी जो उसकी क्रस्ट है उसमें जो ड्रिलिंग है, प्रबोधन है, वो सबसे गहरा 12 किलोमीटर तक। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अधिकतम 12 किलोमीटर की गहराई तक ही प्रत्यक्ष रूप से पहुंच सके हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना बहुत ही कठिन कार्य है। चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं या वर्णन करते हैं। सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्सेज, ऐसे सोर्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, वही अप्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। उसमें सबसे पहले है घनत्व, डेंसिटी, नंबर 2 दबाव, प्रेशर, नंबर 3 तापमान, टेम्परेचर। ये तीनों ही अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। भी हम बात करें प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करें, डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात करें, तो पहला है ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनिक इरप्शन या जो वॉल्केनिक प्रोसेस हैं उससे जो पदार्थ बाहर आते हैं उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 है भूकंप, अर्थक्वेक, जो भूकंपीय लहरें हैं उनके अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की। अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहले है घनत्व, डेंसिटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करते हुए कैवेंडिश ने पृथ्वी का औसत घनत्व 5.48 ग्राम प्रति घन सेमी आकलन किया गया। तो कैवेंडिश ने सबसे पहले पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.48 ग्राम प्रति घन सेमी का आकलन किया, लेकिन वर्तमान में कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा सुदूर संवेदन विधि के द्वारा जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी ज्ञात किया गया है, और ये बहुत ही प्रमाणिक है माना जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो 2.6 से 2.8 ग्राम प्रति घन सेमी ज्ञात किया गया है, जबकि पृथ्वी का अंतरतम का घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी ज्ञात किया गया है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह विश्लेषण निकाला गया है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग से आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व क्रमशः बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो घनत्व जो है चट्टानों का घनत्व है बढ़ता जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें, तो ऊपरी भाग में कम घनत्व की चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि आंतरिक भाग नीचे वाले भाग में अधिक घनत्व की चट्टानें पाई जाती हैं। इसको हम अगर इस ग्राफ के द्वारा भी देखें तो शुरू में हम देखें कि महाद्वीप है, यहाँ से जैसे जैसे हम देखते हैं इधर की तरफ इस डायग्राम में, तो लगातार
इधर की तरफ घनत्व बढ़ता जा रहा है। अगर देखें जो पृथ्वी जैसे जैसे गहरा जाएगा, ओशियन, मेंटल कोर, इनर कोर, तो जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं, इस ग्राफ के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी की गहराई में घनत्व बढ़ता जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्स में अगर हम दूसरी बात करें तो दबाव, प्रेशर की। पृथ्वी की संरचना चूँकि परतदार रूप में है, अतः प्रत्येक ऊपरी सम्मिलित परतें निचली परतों पर निरंतर दबाव रखती हैं। तो मतलब ऊपर की चट्टानें नीचे वाली चट्टानों पर दबाव बनाती हैं। इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग की ओर जाने पर दबाव क्रमशः बढ़ता जाता है, जो क्रमशः बढ़ते हुए घनत्व की ओर संकेत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे ऊपर की परत नीचे वाली परत पर दबाव बढ़ाती जाती है, नीचे जाके और परत बढ़ जाएंगी तो ऊपर की समस्त परतों का दबाव नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इसी कारण से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में भी वृद्धि होती है। हम इस ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में दबाव कम होता है जैसे जैसे समय के साथ साथ गहराई बढ़ रही है नीचे की तरफ। अगर हम देखें इधर की तरफ तो लगातार ग्राफ में घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में हम सबसे लास्ट जो हमने बात की है वो है तापमान या टेम्परेचर की। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उच्च तापमान की दशा पाई जाती है। इसके जो प्रमुख कारण हैं, पृथ्वी का मूल पदार्थ सूर्य से तप्त पदार्थों से बना हुआ है, तो जो उसका निर्माण है तप्त पदार्थों से हुआ है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा उत्सर्जित जो ताप है उसका संचयन होने के कारण से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक पाया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई से जाएंगे, हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। परंतु यह तापमान वृद्धि समान नहीं है, ऊपर वाले क्षेत्र में है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो अलग अलग दर से तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी दर अलग अलग है। तापमान संचयन से पृथ्वी की आंतरिक परतें पिघली अथवा अर्ध पिघली अवस्था में रहती हैं। ये तथ्य माना जाता है कि अगर बहुत अधिक तापमान है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो जो चट्टान है वो पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप के कारण ठोस चट्टानें तरल स्वभाव प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु भारी चट्टानी परतों के दबाव के कारण इसमें बाधा उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में आना चाहती हैं, परंतु हमने अभी पढ़ा था कि दबाव गहराई के संग बढ़ता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव अधिक होने के कारण से उच्च तापमान पर भी चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पिघली हुई अवस्था में चट्टानें उसी स्थिति में पाई जाएंगी जहाँ असंतुलन की स्थिति होगी। हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की जैसे गहराई है तो इस ग्राफ में भी दिखाया गया है कि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे गहराई की ओर जा रहे हैं तो तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसकी दर भी देखेंगे शुरू में तो लिथोस्फीयर में अलग दर से हो रहा है, ऊपरी मेंटल में अलग दर से, मेंटल में पूरी अलग तरह से, फिर जैसे ही कोर के अंदर प्रवेश करते हैं तो तापमान जो है वृद्धि की दर बढ़ जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान लगातार बढ़ता है, परंतु उसकी दर भिन्न भिन्न होती है। ऊपरी भाग में 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। प्रत्यक्ष स्रोतों में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनिक प्रोसेस। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उससे ठोस, तरल, गैस तीनों तरह के पदार्थ बाहर आते हैं। ठोस में चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े, राख आदि बाहर आती हैं, जबकि पिघली हुई द्रवित अवस्था में लावा बाहर आता है, और कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि गैसें बाहर आती हैं। अतः जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, अनुमान लगाए जाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है।
पृथ्वी के अंतर्जात बलों के प्रभाव से आंतरिक भाग में मैग्मा सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली चट्टानों से संबंधित एक मंडल अवश्य है। बिल्कुल, कि जब मैग्मा आ रहा है बाहर, लावा जब बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही है, और वो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा मंडल जरूर होना चाहिए कि जो पिघला हुआ अवस्था में हो। प्रत्यक्ष स्रोतों में हम बात करें दो भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक वर्तमान में जो भूकंपीय लहरें हैं, तरंगे हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन की सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। सीस्मिक वेव को वर्तमान में सबसे प्रामाणिक स्रोत माना गया है। भूकंपीय लहरें या सीस्मिक वेव्स प्रमुखतः तीन प्रकार की होती हैं, पी वेव्स या प्राथमिक तरंगे, एस वेव्स या द्वितीयक तरंगे, एल वेव्स या धरातलीय तरंगे। अगर हम बात करें पी वेव की बात करें, तो जो पी तरंगे होती हैं उनकी गति सबसे तीव्र होती है, इसलिए धरातल भी सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए ही इन्हें प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहा गया है। ये जो पी तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंग के समान होती हैं। पी तरंगों में कणों की गति तरंग की दिशा में समानांतर होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, बिल्कुल समानांतर गति होती है कणों के। पी तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं। हाँ, तरल माध्यम में इनकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करें हम एस तरंगे के बारे में, तो जो एस तरंगे हैं या सेकेंडरी वेव्स हैं, ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा धीमी गति की होती हैं, इसलिए ये धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, इसलिए ही इन्हें द्वितीयक तरंग कहा गया है। एस तरंग जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती हैं। इनमें जो है कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि इनकी जो कणों की गति है वो समकोण पर होती है, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है एस तरंगों के बारे में, एस तरंगे तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि जो कोर है या क्रोड है उसके अंदर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। और तीसरी है लोभ तरंग, एल तरंग या धरातलीय तरंगे, ये सबसे धीमी तरंगे होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। ये तरंगे धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव भी कहते हैं। इस तरह इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।